आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। यूनिट टू का ये सेकेंड चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक टाइम की बात है, वहाँ पर कौन रहते थे? बबल रहता था, एक स्ट्रॉ और एक शू। शू मतलब होता है जूता। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वो तीनों एक कहाँ जा रहे थे? जंगल में जा रहे थे। दे केम टू ए रिवर। वहाँ पर फिर जाके कहाँ पे पहुँचे? रिवर के पास पहुँचे। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जो रिवर है उनको रिवर पार करनी थी, तो वो कैसे पार करेंगे। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। फिर जो शू होता है, जो जूता होता है, वो ऐसा कहता है बबल को कि तुम सो जाओ, हम तुम के ऊपर चढ़ के वहाँ चले जाएंगे, ऐसा कहता है। फिर नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर शू बोलता है नो शू। फिर स्ट्रॉ बोलता है कि स्ट्रॉ तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाओ, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, मतलब कि हम इस रिवर को पार कर लेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। फिर जो स्ट्रॉ होता है वो है ना वहाँ पर सो जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, एक एक जगह से दूसरी जगह पर वो कैसे लंबे जैसा सो गया है। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। जब जो शू जो जूता होता है वो एकदम जोर से छलांग लगाता है स्ट्रॉ के ऊपर और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। स्ट्रॉ जो होती है वो टूट जाती है और एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है शू। द शू फेल इन टू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। और जैसे ही पानी में गिरता है वैसे ही पानी में से एकदम जोर से आवाज़ आती है। द बबल शूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। और जो बबल होता है वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और एकदम से ही जो बबला होता है वो एकदम से फूट जाता है और फिर बाद में सब हंसने लग जाते हैं। नाउ हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। बैंक मतलब होता है किनारा, बबल का मतलब होता है कि बबला, जो पानी में से नहीं छोटे छोटे बबल्स वगैरह निकलते हैं उसे कहते हैं। बर्स्ट का मतलब होता है फूटना, क्रॉस मतलब होता है पार करना, रिवर का मतलब होता है नदी, शूज मतलब जूते और स्प्लैश जैसे कि किसी जोर का किसी आवाज़ जोर से आना, उस चीज़ को हम कहते हैं स्प्लैश।